हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव विशाखा। सो बिफोर सीइंग द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो ये हमारा पार्ट टू है चैप्टर 18 का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। अब हम ताजमहल की केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओवर द पास्ट टू डिकेड्स इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब ताजमहल जो है बहुत ज़्यादा डेंजर में आने लग गया है। एक्सपर्ट्स हैव वॉर्न्ड दैट द पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिस्कलरिंग वाइट मार्बल। तो मैंने पार्ट वन में आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो जो हमारा जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स में से वन है, ठीक है। वो जो है वो थ्रेटन हो रहा है विद द एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो वो मार्बल, वाइट मार्बल को येल्लो मार्बल कर रहे हैं, डिस्कलर कर रहे हैं मार्बल को, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं इफेक्ट होते बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज, ये सारे भी अफेक्टेड हो रहे हैं। The industry is located in and around Agra, like rubber processing, automobiles, chemicals, especially curry. The Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. तो ये जो सारी industries है ये pollute कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ मतलब pollutants create कर रहे हैं जैसे कि sulfur dioxide, nitrogen dioxide. ये जो gases है जब ये water vapor के साथ react करती है तो ये फॉर्म करती है सल्फर एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जो एसिड है ड्रॉप डाउन होते हैं रेन से और ये रेन को एसिडिक बनाते हैं, तभी हम इसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन जो है वो करोड करती है मार्बल ऑफ मॉन्यूमेंट। जो फिनोमिना है हम इस फिनोमिना को बोलते हैं मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जैसे कि सूट पार्टिकल्स एमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द येलोइंग ऑफ मार्बल, ठीक है। उन्होंने मार्बल को येल्लो करा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव ताज। इट हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच द क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG एंड LPG। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर द अनलीडेड पेट्रोल इन ताज जोन। ताज जोन मतलब ताजमहल की शॉर्ट फॉर्म। देखो पहले कितना वाइट था, अब आप पिक्चर में ही देख रहे होगे कि कितना ये येल्लो हो रहा है। देखो उसके पार्टिकल्स, ठीक है, कितने येल्लो हो रखे हैं इसके पार्टिकल्स। अब है, अब आप डिस्कस करो अपने एल्डर्स के साथ और देखो कि क्या हो सकता, क्या आप बोल सकते हो, ठीक है, कंडीशन ऑफ ताज के बारे में 20 या 30 ईयर्स अको, ठीक है। ट्राई करो कि आप पिक्चर निकालो ताजमहल के अपने स्क्रैप बुक में से। अब बात करते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आप जानते हो जो सन की रेज है वो वार्म करती है अर्थ के सरफेस के, जो पार्ट है रेडिएशन का वो फॉल करता है अर्थ पे, वो एब्जॉर्ब होता है उससे, और जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड बैक होता है इनटू स्पेस। जो पार्ट होता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का वो ट्रैप होता है एटमॉस्फेयर से और ये ट्रैप करता है रेडिएशन फर्दर वार्म इन और वार्म करता है अर्थ को। अगर आपने देखा होगा ग्रीन हाउस नर्सरी में या एल्स में, तो रिकॉल करो कि जो सन की जो हीट है वह अलाउ करती है उसको आने के लिए बट जाने के लिए उसको अलाउ नहीं करती। ये ट्रैप करती है हीट, वार्म द ग्रीन हाउस। जो ट्रैपिंग होती है रेडिएशन बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, तभी हम इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस प्रोसेस के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी अर्थ पे, बट अभी जो है ये बहुत हमारे लिए, ये हमारी लाइफ को थ्रेटन कर रही है। CO2 एक गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? CO2, ठीक है। आप जानते हो कि जो CO2 एक वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर है, ठीक है। आपने स्टडी किया था कि जो रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स का, अगर एक्सेस होती है CO2 हवा में तो एक पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करती है। अब आप हेल्प कर सकते हो पहेली को कि वो फाइंड आउट करे आंसर इस क्वेश्चन का। ऑन द अदर हैंड जो CO2 है वो कंटिन्यूसली रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। प्लांट यूटिलाइज करते हैं CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर फोटोसिंथेसिस के लिए, तभी जो अमाउंट ऑफ CO2 है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, तो प्लांट यूज़ कर रहे हैं बट क्या हो रहा है कि जो लोग हैं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ काट रहे हैं, तो तभी जो अमाउंट है CO2 का वो इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रीज जो कि कंज्यूम कर रहे हैं CO2 वो रिड्यूस हो रहा है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। CO2 ट्रैप करती हीट और उसको अलाउ नहीं करती कि वो एस्केप करे स्पेसिस में, तो फिर रिजल्ट क्या आता है?
जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज तो जा रहा है, और ये क्या लीड कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अदर गैसेस जैसे मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस इफेक्ट। जो CO2 है इसको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न मतलब गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड का, मैनी कंट्रीज रीच हो गई एक एग्रीमेंट के वो रिड्यूस करें एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ऐसे एक एग्रीमेंट है। मुझे सरप्राइज हो गया कि वो सुन के जो इंक्रीज है अर्थ के टेम्परेचर में, ये इवन लिटिल है 0.5 डिग्री सेल्सियस, इतना सीरियस इफेक्ट है। पहेली ने उसको बताया कि उसने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालयाज में उसने स्टार्ट कर दिया मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अब क्या हो सकता है, ठीक है अब हम पढ़ेंगे कि अब क्या हो सकता है उसके बारे में। What can we do to reduce air pollution? There are many success stories in fight against air pollution. जैसे कि कुछ साल पहले Delhi was also most polluted cities in the world. It was choked by fumes released from automobiles running on diesels and petrol. ये decision लिया कि वो switch करें fuels को जैसे CNG और LPG, CNG और unleaded petrol. तो ये जो measures हैं ये result हो गए cleaner air for the सिटी में। तो आपने ये माइट नो कि कुछ अदर एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरियाज रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे भी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। अब ए क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। वी कैन यूज दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। There is a need to switch over alternate fuels instead of fossil fuels for our energy requirement. These could be solar energy, hydropower or wind energy. ठीक है, कुछ small small contribution जैसे कि अगर हम पेड़ लगाए ना तो ये भी हमारे help कर सकता है air pollution को reduce करने में। Small contribution on our part can make a huge difference in the state of environment. We can plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood. Do you know about Van Mahotsav? Well, lakhs of trees are planted in July every year. Paheli and Buju once happened to go to an area where some people were burning dry leaves. They started coughing because of the entire area was full of smoke. Paheli thought it would be better option to put them in a compost pit rather than burning. तो अब क्या सोचते हो आप, अपनी राय मुझे कमेंट बता सकते हो। अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। क्लास 7th में आपने लर्न किया था कि जो वाटर है एक प्रीशियस रिसोर्स है। थिंक करिए और लिस्ट करिए वेरियस एक्टिविटीज जिसमें हमें वाटर चाहिए। हमने देखा कि वाटर बहुत ज़्यादा स्कार्स बन रहा है, वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है जब जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, आपने स्टडी किया है कैसे वाटर डर्टी बनता है आफ्टर हम उसको यूज़ करते हैं वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, बाथिंग एक्सेट्रा के लिए। इसका मतलब कि हम ऐड करें कुछ मटेरियल्स वाटर को कि जो कि स्पॉइल करे उसको, स्पॉइल करे उसकी क्वालिटी और चेंज करे उसकी स्मेल और कलर। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एक्सेट्रा ये मिक्स होते हैं वाटर से तो वाटर पोल्यूटेड बन जाता है। तो जो सब्सटेंस जो कि पोल्यूट करते हैं वाटर को इसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड और उसकी केस स्टडी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। इस पूरे चैप्टर मतलब कि आगे का जो चैप्टर का कंटिन्यूएशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो थर्ड पार्ट में बता दूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।